ये हमने इतने ये इतना रीजन हमने डाल दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डाल रही हूँ, तो पहले सीधी फंदा लिया सीधा, फिर उनको आगे करना है, फिर एक उल्टा बुनना है, फिर एक बिना बुना उतारना है, पूरी सिलाई ऐसी करनी है, एक उल्टा बुनना है, एक बिना बुना उतारना है, और ये सीधी सिलाई में डिजाइन बनने पड़ेगा, उल्टी सिलाई में नहीं पड़ेगा। यहाँ हमने एक सीधा फंदा लिया था और एक उल्टा बुना है, अब यहाँ ये एक उल्टा बुनना है, फिर उनको पीछे करके इसमें सीधा बुनना है उल्टी सिलाई में। एक तो जो हमने फंदा सीधा बुना था इसका उल्टा बुनना है, और जो उल्टा फंदा बुना था हमने उसका उल्टा बुनना है, क्योंकि जो बिना बुना फंदा था ये वाला, इसमें हमने ये डिजाइन डाला था, इसमें इसे सीधा करना है, सीधा बुनना है, जैसे था ना, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनना है। जो इसमें हमने ये उल्टा बुना था इसको हमने उल्टा बुनना है, और जो ये बिना बुना उतारा है इसको हम सीधा बुनना है। अब ये पूरी सिलाई सीधी करनी है,
ये हमारा डिजाइन ये पूरा हो गया है और हम इसमें अब गांठ लगाएं। और अब ये जो हमारा ये डिजाइन है ये हमने ये टोपा बना रही है, इसमें यहाँ हमने 70 फंदे डाली हैं। 70 फंदे डाल करके ये सीधी सीधी सिलाई करी है हमने, 5, 1, 4, 1, 2, 3, 4 सिलाई करी है सीधी सीधी। फिर उसके बाद ये हमने ये नमूना डाला है और अब हमने ये नमूना ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हम ये इसको बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे इस रंग की ऊन से और 10 सिलाई करेंगे। ये हमने 10 सिलाई ये प्लेन कर ली है, अब हम इसे घटाएंगे। ये जो दो ये 2 फंदे है, 1 और 2, इन दो का एक करना है। ये 1 फंदा ये है, 1 फंदा ये, इन दो का एक करेंगे। ये 2 फंदे, इन दो का एक करें, ये दो दो फंदों का एक करते जाएं और पूरी सिलाई में 2 का 1 करना है। इसमें हमने ये टोपा है बच्चे का, इसमें हमने 70 फंदे डाले थे, अभी दो हम इसे घटा रही हैं। ये पूरी सिलाई में हमने 2 फंदों का 1 फंदा करा है। ये हमारे ये फंदे कम हो गए, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करें।
अब ये सीधी उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी कर ली है। अब यहाँ पे फिर दो का एक करना है, ये एक दो, इन दो को एक करें। उल्टी सिलाई फिर उल्टी करनी है। ये हमारे इतने फंदे रह गए इसमें, और फिर हम दो का एक करेंगे। ये चार फंदे रह गए हैं, इसे उल्टी सिलाई में चारों का एक कर लें। ये हमारा टोपा हो गया है। इसमें ये हमारा टोपे में ये रिजन आ गया। अब हम इसमें सिलाई करेंगे। ये दोनों को बराबर मिला लें। बराबर मिला के इन्हें एक फंदा इसमें से एक इसमें से लेकर सिलाई करनी है। दोनों में से दोनों सिलाई करते रहें सुई से।
अब इसे हम बंद करेंगे, तना ही सुई से बंद कर दें। ये हमारा टोपा ये ऊपर का है, ये हिस्सा जरा इसमें डिजाइन पड़ेगा। ये हमारा टोपा हो गया है, इसमें हमने देखो ये डिजाइन से डिजाइन मिला के सिलाई करी है। ये टोपा जो है सलवार के बच्चे का आसानी से आएगा। अब हम जो है स्वेटर सिलेंगे।